कर्नाटक सरकार ने मास्क नहीं पहनने पर घटाई जुर्माने की राशि। केंद्रीय कैबिनेट ने ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर को दी मंजूरी, मास ट्रांजिट सिस्टम को मिलेगा बढ़ावा। चुनी हुई सरकार के बतौर मुखिया 20वें साल में प्रवेश करने पर भाजपा नेताओं ने मोदी की जमकर तारीफ की। ओडिशा के भुवनेश्वर में राजभवन के पास स्थित पेट्रोल पंप में लगी आग, 8 लोग झुलसे। सुशांत केस में मुंबई साइबर पुलिस बोली, पुलिस की बदनामी के लिए बनाए गए 80,000 फर्जी अकाउंट्स। शाहीनबाग जैसे प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख, कहा अफसर कार्रवाई करे, अदालतों के पीछे ना छिपे। ऋचा चड्ढा मानहानि केस, बॉम्बे हाईकोर्ट ने पायल घोष से पूछा क्या वह माफी मांगेगी। ड्रग्स मामला, रिया चक्रवर्ती को मिली जमानत, भाई सौविक अभी भी जेल में रहेंगे। राजस्थान में सियासी संकट के संकेत, सचिन पायलट के मीडिया मैनेजर पर दर्ज हुआ मामला। हाथरस में रची जा रही साजिश पर बोले सीएम योगी, ऐसे लोगों के खिलाफ की जाएगी सख्त कानूनी कार्रवाई।